एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, महाराष्ट्र भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन नागपुर के ट्रीट मी हॉस्पिटल में कोरोना रुग्ण का रिकवरी रेट 89% है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। आइए जानते हैं ट्रीट मी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विकास भूते और डॉक्टर प्रीति भूते से इस वैश्विक महामारी में ट्रीट मी हॉस्पिटल के इस सफलता के बारे में विशेष चर्चा में। मैं डॉक्टर विकास भूते, ट्रीट मी हॉस्पिटल में। आई एम डॉक्टर प्रीति भूते, रनिंग द कोविड यूनिट इन ट्रीट मी हॉस्पिटल। जी मैम, देखा जाए तो अभी कोविड की हालतों में थोड़ी सी एक खुशी मिली हुई है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो चुका है। हमने देखा है कि नागपुर में रिकवरी रेट बहुत अच्छा चुका है, साथ ही साथ आपके हॉस्पिटल में कोविड डेडिकेट कोविड सेंटर है। किस तरह का क्या स्थिति कोविड के बारे में है आप कहेंगे? कोविड के रोज तो पेशेंट बढ़ ही रहे हैं कंपैरेटिवली, एवरी डे दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट रिकवरी रेट सिंस वन वीक इट हैज़ इम्प्रूव्ड। जितना डेथ रेट जो पहले था वो कंपैरेटिवली कम हो रहा है, भले ही स्कोर ज़्यादा है पेशेंट का, बहुत क्रिटिकल इसमें आ रहे, बट वो ठीक हो रहे। माइट बी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ऑक्सीजन अभी हो रहा है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी इम्प्रूव हो रही है, और स्ट्रेन का भी दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेन के वजह से भी अभी वीक हो रहा है। ऐसा देखने में आया था कि लास्ट वीक की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो चुकी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा मारामारी हो चुकी थी। इस दौर में हॉस्पिटल्स को बहुत ही जद्दोजहद से सर्वाइव करना पड़ा, क्या तकलीफ हुई थी उस समय, क्या कहेंगे? ऐसा रहता था कि ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर बचे हैं और वहाँ पर लाइन में खड़े हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, फिर हमारे को गाड़ी लेके दूसरे हॉस्पिटल से सिलेंडर मंगवाना पड़ रहा था। ऐसी बहुत सारी परेशानी होती थी, पर हमको जो आदित्य जो गैसेस है उन्होंने काफ़ी कॉपरेट किया, उन्होंने हमको 20 सिलेंडर तुरंत में दिए, नए सिलेंडर, जिसकी वजह से हम काफ़ी रिलीव हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास ऑलरेडी 20 सिलेंडर भरे रहते हैं और 25 सिलेंडर लाने के लिए गाड़ी जाती है। तो अभी ये दिक्कतें आने वाले पिछले 10 दिन से नहीं हो रही है। मैम, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में बात करूँगा, बहुत सारे लोगों की सोच है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा लिया तो कोविड का पेशेंट ठीक हो जाता है, इसके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लोग भी साथ दे रहे हैं। 5,000-1,100 का इंजेक्शन 5,000 से लेकर 50,000 तक के बिका जा रहा है, क्या कहेंगे? रेमडेसिविर सिर्फ वायरल लोड कम करता है, इट इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग, और अभी जो है शॉर्टेज की वजह से हम लोग सिर्फ मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में ही यूज करते हैं, माइल्ड पेशेंट में नहीं यूज करते। इंस्पाइट ऑफ दैट माइल्ड केसेस के पेशेंट सब ठीक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि रेमडेसिविर दिया तो ही ठीक हो गई। इनफैक्ट मॉडरेट पेशेंट में भी अगर अवेलेबल नहीं है तो वी हैव टू मैनेज इट, और होते हैं मैनेज, ऐसा कुछ नहीं कि वो इट इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। हाँ, वायरल लोड जरूर कम होता है, तो ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन है और लोग कुछ भी करते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। सर बात करूंगा, इस दौरान कोविड के इस दौरान में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने दिल जान लगा के मेहनत की, काम किया, लेकिन पेशेंट के परिजनों द्वारा हॉस्पिटल में लांछन लगाया गया, तोड़फोड़ की गई, आग तक लगा दी गई, ये नागपुर की वारदातें हैं। तो डॉक्टर बैटन के साथ इस तरह की गलत वारदातें होना किस हद तक क्या पुष्टि लगता है? नहीं, ये बराबर नहीं है, ये बात मैं मान्य करता हूँ कि हॉस्पिटल टोटल तरीके से परफेक्ट लेवल पे काम नहीं कर पा रही है। ये बात पब्लिक समझ में नहीं आ रही है पब्लिक को कि इतना पेशेंट का लोड आ रहा है और उसमें काम करने वाले स्टाफ हुई है, डॉक्टर हुई है, और उनको इतने सारे पेशेंट एक साथ देखने पड़ रहे हैं, तो जितनी परफेक्शन वो पहले जैसी रहती थी नॉन कोविड स्टेज में, वो परफेक्शन से ट्रीटमेंट अभी देना संभव नहीं है। जिसके वजह से हमको एग्जर्शन हो रहा है, हम ज्यादा समय दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ये सब चीजें उन्होंने समझना चाहिए, क्योंकि उनको फिर वो बात करते हैं, उनको उत्तर देना पड़ता है, उनको बहुत समझाना पड़ता है। इतने एक्सपेक्टेशन इस बार थोड़े से पूरे करना जरा कठिन है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप हो रहा है। नागपुर डॉक्टर फटाने में तो कुछ तरह ऐसा भी देखने आया है कि इस तरह के एलिगेंस से बचने के लिए डॉक्टर लोग जो है ये ज्यादा क्रिटिकल केसेस लेना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर क्रिटिकल केसेस ले लेंगे तो बाद में लोग मॉब आता है और मॉब तकलीफ देता है, क्या कहेंगे आप? नो, एक्चुअली वी टेक क्रिटिकल केसेस, पर उनका पहले से ही काउंसिलिंग कर रहे हैं हम लोग। 18, 19, 20, 21 ये सब स्कोर वाले पेशेंट ले रहे, पर पेशेंट क्रिटिकल हो सकता है, क्या उसका फेट रहेगा, ये सब पहले से ही बताते हैं, उनको रोज बुलाते हैं, रोज उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अभी कितना इम्प्रूव हो रहा है या डिटोरिएट हो रहा है, तो वो प्रिपेयर रहते हैं।
तो एकदम आउटबर्स्ट नहीं होता है. काउंसलिंग पार्ट बहुत जरूरी है, वो हम लोग ज्यादा कर रहे हैं जी. अगर रिकवरी की अगर बात अगर की जाए मैम, तो लगभग 89 पॉइंट समथिंग का आपका इस बार का रिकवरी रेट है. तो और आपने बताया कि आप क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस लेते हो, 21 एचआरसीटी लेवल के भी आपने केसेस पेशेंट जो है वो 13-14 के ऊपर ही ले लेते हैं. तो ये इस दौरान किस तरह का एक आपको एक स्ट्रेस था, क्या तकलीफ गई, और जब ये पेशेंट जब ठीक होकर घर जा रहे थे, किस तरह की खुशी आपको मिली, क्या कहेंगे? बिल्कुल यस, हम लोग क्रिटिकल पेशेंट लेते हैं. सब पेशेंट अलग रहते हैं, सबका प्रॉब्लम्स, सबका ट्रीटमेंट, कोमोरबिडिटीज रहती है किसी में साइटोकाइन स्टॉर्म रहता है ना, यंग पेशेंट भी डिटोरिएट हो जाते हैं, तो सबके प्रॉब्लम्स अलग रहते हैं. वी हैव टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली. घर जाते तो ऑफ कोर्स खुशी होती है. अभी हमको डिस्चार्ज पेशेंट के परिजनों का लोड बहुत बढ़ गया है. जो डिस्चार्ज होके जाता है वो अपने घर के अपने दोस्त के पेशेंट में हमको फिर एक हमारा रिलेशन बन गया, हमको उनको लेना ही पड़ता है. बराबर. और वो फोन करके बोलते होंगे कि सर हमारा पेशेंट है, आप देख लीजिए. तो ऐसे ही है, अभी एक रिश्तेदार गया तो उसके 2-3 रिश्तेदार अभी एडमिट हमारे ना. इट इज वेरी सैटिस्फाइंग, इतना क्रिटिकल पेशेंट अच्छा हुआ. ये हमको एक उसके सैटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई वो हैप्पी है इसलिए वो भेज रहे हैं. कोविड-19 2021 का ऐसा कोई वाक्या जो आपको याद रहेगा इस कोविड के टाइम पे, हमेशा याद रहेगा, ऐसा कोई खाली इंसिडेंट रिगार्डिंग पेशेंट? अभी एक पेशेंट आई थी, नियर अबाउट 65 इयर्स की होगी. उसके बेटा एंड बेटी एवरीडे वो आई, तब उसका ऑक्सीजन वॉज 70. तो नियर अबाउट फॉर 1 वीक एवरीडे आई वॉज टेलिंग कि शी इज क्रिटिकल, कुछ भी हो सकता है. रोज उनके मार्कर बताती थी, एक्सरे खराब है. पेशेंट क्रिटिकल ही थी, बायपेप पे लगाते थे. एंड एक वीक तो डिटोरिएट हुई, बट आफ्टर 1 वीक पेशेंट का भी सपोर्ट काफी था. उसको बायपेप में तकलीफ होती थी, बट स्टिल शी यूज टू कीप इट. घर वालों ने भी ड्रग्स मेडिसिन का जो है अमाउंट बराबर वो किया, मतलब कहीं से भी लाया, बट दे हेल्प्ड अस अलॉट. उसमें जो टोसी का इंजेक्शन है 50,000 का है, बट दे वेर रेडी फॉर इट कि मम्मी को अच्छा करना है. प्लाज्मा बताया, प्लाज्मा भी लेकर आए, तो देयर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज सुपर. इंस्पाइट ऑफ टेलिंग कि वो नहीं बच सकती, फिर भी लाते थे बेचारे बेटा एंड बेटी. एंड आफ्टर 11-12 डेज उसको डिस्चार्ज हुआ, तो दे वेर हैप्पी, आई वॉज सेटिस्फाइड. मतलब 1 वीक आई वॉज एवरी डे टेलिंग कि कुछ भी हो सकता है, और 11th day वो अच्छी होकर गई, तो इट वॉज वेरी सेटिस्फाइंग. यानी कि जिनकी बचने की उम्मीद नहीं थी, उनके घर वालों ने वो मेहनत करके और आपके मेहनत से वो फाइनली बच के आए, एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है. बच्चों को आई वॉज टेलिंग एवरी डे कि वो नहीं बच सकती, बट स्टिल 50,000 का इंजेक्शन मैनेज किया, प्लाज्मा नहीं लगाना है. हम भी उनको समझाते थे कि फायदा होगा नहीं होगा, दैट्स अप टू द पेशेंट, बट स्टिल दे मैनेज. और फाइनली एक बात कहेंगे, उम्मीद है तो सब कुछ है, ऐसा बोलने में भी हरकत नहीं, पॉजिटिव रहना चाहिए जी, पॉजिटिव रहना चाहिए. सर अगर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल की बात अगर करें, तो यहाँ पे कोविड से रिलेटेड, नॉन कोविड से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज हॉस्पिटल में अवेलेबल है? नॉन कोविड से रिलेटेड सब फैसिलिटी अवेलेबल है. साइकेट्रिक एडमिशन टोटली स्टार्ट है, गायनेक है, ऑर्थोपेडिक्स है, एक्सीडेंट होंगे सब होते हैं, ब्रेन ऑपरेशन होंगे सब होते हैं, सब ओवर ऑपरेशन थिएटर लेबर रूम सब स्टार्ट है. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग दीज फैसिलिटीज फॉर कोविड ऑल्सो. कोविड के लिए भी हम ऑपरेशन सीजर सब स्टार्ट कर रहे हैं. यानी अगर किसी पेशेंट को वो नॉन कोविड है तो भी ट्रीट यहाँ भी होगा, एंड इफ सपोज उसे कोविड है तो भी वो यहाँ ट्रीट हो सकता है. खास करके साइकेट्रिक पेशेंट कोविड वाले हम ओपीडी में मैनेज कर रहे हैं जी. अभी हमारे पास दो साइकेट्रिक पेशेंट एडमिट भी है ऊपर में जी. हाँ, जिनका कोई केयर नहीं करते, मतलब बाकी हॉस्पिटल में बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना बिहेवियरल प्रॉब्लम की वजह से. ऐसे दोनों प्रॉब्लम वाले पेशेंट नागपुर में हमारा एक में हॉस्पिटल है बोलते. तो मैम क्या कहेंगे जनता को, कोविड से लेके जो परेशान है, जो डरी हुई है, अपने थोड़ी सी तबियत खराब होने के बाद अपने पेशेंट को हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एम्बुलेंस में लेके जाने वाली जो पब्लिक है, अभी जब कोरोना रिकवर हो रहा है, तो ऐसे में क्या संदेश आप ट्रीटमेंट हॉस्पिटल और आपके माध्यम से जनता को देंगे? नहीं, डरना की कोई बात नहीं है. अगर फीवर और एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं तो एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए.
एवरी फीवर शुड बी कंसिडर्ड एज कोविड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज. पहले अपन ने वो उसका ट्रीटमेंट मतलब जांच करनी चाहिए, नहीं है तो वी शुड गो फॉर अदर थिंग्स. डरने की कोई जरूरत नहीं है. अगर अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं, माइल्ड में है तो बिल्कुल इजीली आप उसमें से निकल सकते हैं. बहुत लोग हैं वी 10 डेज के बाद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो दे गेट क्रिटिकल. क्रिटिकल भी हुए तो ऐसा नहीं है, अभी तो हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल होने लगे हैं. दे शुड नॉट पैनिक, हौसला रखना चाहिए. और अभी जो भी है व्हाट वी कैन डू इज बेस्ट थिंग इज वैक्सीनेशन. बहुत अभी क्या हो रहा है कि कोविड टेस्ट करने एचआरसीटी की टेस्ट करने के बाद में भी पेशेंट नेगेटिव आता है और उसके बाद सीटी करने के बाद भी पेशेंट नेगेटिव आता है लेकिन डॉक्टर को ऐसा फील हो जाता है कि उसको कोविड है या एचआरसीटी रिपोर्ट में पता चल जाता है कि वो कोविड है. ठीक है, लेकिन एंटीजन और आरटीपीसीआर में पता नहीं चलता कोविड है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं संभ्रम निर्माण है लोगों में. तो किस हालत में एचआरसीटी कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, बहुत ज्यादा गिरा हुआ था तभी हॉस्पिटल में एडमिट करे, क्या स्थिति रहेगी, वो क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, फीवर है, कफ है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, जनरलाइज वीकनेस है, और साथ में हम लोग जब एग्जर्ट करते हैं या वॉक करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बिलो 92-93 आ रहा है, तो इट इज अलार्मिंग साइन. उसका केयर होना चाहिए वो चीज का. ऐसा नहीं है 92 वाला घर पे ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है. डॉक्टर से फॉलो अप करना चाहिए, जो भी बताए 3 डेज में बुला रहे 3 डेज में करो, है ना. ऐसे घूमने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट पॉजिटिव रहना चाहिए, जैसा बताया वैसा सब फॉलो करना चाहिए. और बहुत क्रिटिकल होने के बाद आने में कोई मतलब नहीं है ना. अर्ली स्टेप इज वेरी गुड. सर, वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात की जाए तो लोग आज भी वैक्सीनेशन को लेकर उतने ज्यादा जागरूक नहीं है, क्या कहेंगे आप? आपने भी वैक्सीन ली है, वैक्सीन लेने के बाद आपको क्या फायदे हुए हैं, क्या कहेंगे जनता को? वैक्सीन लेने के बाद जरूर फायदा हुआ है, अभी रोज एक्सपोज हो रहे हैं तभी बचाव पा रहे हैं उसको कोरोना से. और वैक्सीन ये सबसे चीपेस्ट ट्रीटमेंट है कोरोना के लिए. वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, हॉस्पिटलाइजेशन से बचना है तो वैक्सीनेशन लेना चाहिए, अपनी भी सुरक्षा है और देश की भी सुरक्षा है. वैक्सीनेशन सबने लेना चाहिए. मैं तो मेरे पास आने वाले सब साइकेट्रिक पेशेंट को बोलता हूँ कि आप वैक्सीन कराओ, सबको मैं खुद होकर बताता हूँ कि वैक्सीन कराया नहीं, क्या सबको संदेश देते. आखिरी सवाल मेरा, कोविड के इस पीरियड में नॉन कोविड पेशेंट जो है ये हॉस्पिटल्स में आने के लिए डर रहे हैं, उनको लगता है कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, तो इन संदर्भ में क्या कहेंगे आप? पहले स्टार्टिंग में था ये सब चीज़ें, अभी उतनी नहीं रही, अभी लोग हिम्मत करने लगे हैं. इतना जो भय था वो बाहर नहीं निकलना, ये करना, कोविड पेशेंट लिखे पर भाग जाते थे, इतना भय नहीं रहा. तो उससे थोड़ा सा 6-7 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए, मास्क पहन के रहना चाहिए, ये कुछ सावधानी लेते रहना चाहिए. क्लोज एटमोसफियर जैसे ओपीडी में बैठे हम तो सब ओपन करके रखते हैं, हवा ऐसी घूमते रहना चाहिए, एक क्लोज इसमें ज़्यादा संभावना रहती है. ये सब प्रिकॉशन लेना चाहिए और ये प्रिकॉशन घर पे भी ले सकते हैं.